ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट थर्ड ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर सेकंड. ओके, होपफुली आप सब लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अब तक देख लिया होगा इस चैप्टर के. आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. एंड आप लोगों के जो भी डाउट्स हों वो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर आप बताइएगा. मैं वहाँ पर आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा. ओके चलिए, आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को. प्रीवियस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने अपने एग्रीकल्चर के सेक्टर को कम्प्लीटली देखा, उसकी हमने उसमें क्या क्या चीजें और रिफॉर्म्स के तौर पे लेके आए थे. कि जैसे कि हम अपने लैंड रिफॉर्म्स को लेके आए थे, उसके बाद फिर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेके आए थे. ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों को उसमें समझाया हुआ है, ठीक है, उसको जरूर अभ्यास से देखिएगा. अब आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की क्या हालत थी, किस तरीके का था. देखिए, अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा वीक था. हमारे इंडिया में उस टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी जो कि प्रिवेल कर रही थी. कुछ कॉटन और जूट इंडस्ट्री थी, कुछ कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज थी जो कि हमारे इंडिया में थोड़ी बहुत डेवलप थी हमारे इंडिया में. और उस टाइम पे दो स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. ये हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह थी. पहली थी हमारी जमशेदपुर बिहार में, और दूसरी थी हमारी कोलकाता में. ओके, ये ध्यान रखिएगा कि जमशेदपुर बिहार और कोलकाता, इन दोनों ही जगह सिर्फ और सिर्फ हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी. उसके अलावा हमारे इंडिया में एज सच इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज कोई भी नहीं थी. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत थी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा जाए, इधर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर. लेकिन जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इकोनॉमी प्लानिंग हमने कुछ इस तरीके से करी थी कि हमने मेजर रोल दिया था पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट को, और हमने माइनर रोल, सपोर्टिंग रोल दिया था हमने प्राइवेट सेक्टर यानी कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल को. उसी के लिए, बिकॉज अब यहां पे हमारी क्या क्या दिक्कतें थी अगर हम उन पे देखें. देखिए, सबसे पहला हमारा आता है इसका कि शॉर्टेज थी यहां पे. किसकी? तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर. मींस कि यहां पे जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास इतने फंडिंग नहीं थी, उसके पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अपने आप को इन्वेस्ट कर पाए इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. बिकॉज इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनमें हमारा कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर, अभी हमारा देश आजाद होके चुका था, अभी लोग इतने वेल्दी नहीं थे कि वो अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाते, जो जो कि काफी बड़ा अमाउंट हो सकता था. जो कि इसी वजह से यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वो प्ले करा रखा था सरकार ने, कि यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना रोल यहाँ पे प्ले आगे आके करना था, कि जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को लेके आएगी. ओके, सेकेंड हमारा आता है लैक ऑफ एफिशिएंसी इन द मार्केट. ओके, अब एफिशिएंसी की कमी थी मार्केट में. इसका मतलब है कि अभी अभी जब हमारा देश आजाद हुआ था, लोग इतने वेल्दी नहीं थे, लोगों की इतनी डिमांड ज्यादा नहीं थी हर चीज की. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा उस टाइम पे इकोनॉमी बहुत छोटी थी, इतनी डिमांड नहीं होती थी. तो यहाँ पे अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास उतने फंड्स थे भी, लेकिन वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, बिकॉज यहाँ पे इंसेंटिव नहीं थे मार्केट में. यहाँ पे मार्केट में एफिशिएंसी नहीं थी कि वो उसको इंसेंटिव निकाल के देगा एक प्राइवेट इंडिविजुअल को. बिकॉज कोई भी एक इंसान अगर अपने कैपिटल को अगर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो ऑफ कोर्स ही एटलीस्ट यू नो ही ऑलवेज होप समथिंग काइंड ऑफ एन रिटर्न, कि उसको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा. बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये था उस टाइम पे हमारे इंडिया में कि देर वॉज वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, बिकॉज हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी थी. तो इसी वजह से जो इंडस्ट्रीज के पास था पैसा, वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे. एंड द लास्ट जो कि एक और हमारे यहाँ पे एक रहता है इशू, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर. ओके,
जो हमने बीइंग अ पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी, बीइंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी अगर हम देखें तो वहां पे कि ज्यादा रोल ऑफ कॉस्ट सरकार का, और सरकार का मतलब सोशल वेलफेयर के बारे में हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में इस टाइम पे देंगे, क्योंकि हमारे इस टाइम इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, बहुत ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनके वेलफेयर के लिए अगर हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हाथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर को सौंप दिया तो वो अपने प्रॉफिट को निकालने के चक्कर में हमारे जो इंडिया के जो एक पुअर पीपल्स हैं, या फिर कह लीजिए कि जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इन सब चीजों को, तो उनको बेसिक चीजें भी नहीं मिल पाएंगी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव था हमारे कंट्री का कि हमें सोशल वेलफेयर को प्रोवाइड करना है लगातार, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा रखने के लिए हमने अपने इंडिया में ज्यादा बड़ा रोल पब्लिक सेक्टर को दिया था और छोटा रोल हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया था, इवन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैं आपको एक और चीज समझाता हूं बेटा कि हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल था सेक्टर, वो ऑफ कोर्स बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारे इंडिया में बिकॉज किसी भी कंट्री का एक इंडस्ट्रियल सेक्टर एक बेस माना जाता है, अगर किसी भी कंट्री का अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर एक अच्छा होता है तो अल्टीमेटली उससे बहुत सारी जॉब्स होती है क्रिएट, इस बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज्यादा होता है, और जिस भी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन सबसे ज्यादा होता है वो सेक्टर एक बैकबोन माना जाता है हमारी कंट्री का। ओके तो दीज वर द प्रॉब्लम्स जो कि उस टाइम पे थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब एग्जैक्टली इनको सबको ध्यान में रखते हुए हमने अपने इंडिया में कुछ इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशंस बताए थे, जैसे कि मैंने आपकी इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत जब हम अपने कर रहे थे तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। अब आप लोगों को कुछ शायद आया होगा ध्यान, देखिए जरा मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। अब पहले ये समझते हैं कि आखिर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन होता क्या है। देखिए ऐसा होता है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्री से मिलकर बना होता है, इसमें कम्युनिकेशन इंडस्ट्री होती है, माइनिंग इंडस्ट्री होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, आपकी मार्केटिंग की तमाम चीजें आपकी इसमें इंडस्ट्रीज आती हैं। इन तमाम इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन तमाम चीजों को सेटअप करने के लिए एक कंट्री में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे हर एक इंडस्ट्रीज के लिए, उसके लिए एक पूरा प्रॉपर ढंग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो कि हमारे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में ये निकाला गया था, जहां पे कि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे मेजर रोल दिया गया था पब्लिक सेक्टर को और माइनर रोल और एक या फिर एक सपोर्टिंग रोल दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे इंडिया में गोल्स और फाइव प्लान्स भी आ चुके थे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको अब ये हुआ महसूस कि यहाँ पे कि अब हमें यहाँ पे एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज पॉलिटिकली और सोशली अब इंडिया हमारा चेंज हो रहा था, और इन तमाम चीजों के चेंज होने के साथ साथ हमें अपनी एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी यहाँ पे था इंतजार। तो वो हमारी आती है इन द ईयर 1956। ओके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ओके, यही चीज लिखी है मैंने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। फिर आपकी आती है 1956 में। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में क्या क्या चीजें थी, देखिए हमने इसमें पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को या सारी की सारी इंडस्ट्रीज को हमने तीन स्केड्यूल में डिवाइड करा था। ध्यान से जरा समझेंगे, सबसे पहले हमारा आता है देयर वर थ्री स्केड्यूल्स। ओके, सबसे पहला हमारा आता है स्केड्यूल स्केड्यूल ए। इस स्केड्यूल ए में हमारी देयर वर 17 इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज थी हमारी इस स्केड्यूल में, जिस स्केड्यूल में एग्जैक्टली हमारी ये सारी के सारी इंडस्ट्री कंप्लीटली ओन्ड करेंगे बाय स्टेट। स्टेट मीन जो भी हमारे देश की अथॉरिटी, दैट इज गवर्नमेंट। ओके, तो यहां पे 17 इंडस्ट्री, ये सारी की सारी कौन कौन करेगा, हमारे ओन स्टेट करेगा। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है, जैसे कि हमारी आती है इसमें एयरक्राफ्ट्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज,
इसमें हमारी आती है हमारी आर्म्स एंड एमिनेशंस, एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम इंडस्ट्री हमारी आती है स्केड्यूल नंबर ए में, जहां पे कि 17 इंडस्ट्री है। मैं फिर से कह रहा हूं 17 इंडस्ट्रीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सारी की सारी इंडस्ट्री हमारी स्टेट ओन करता था, मतलब सरकार ओन करती थी इनको, वही सब कुछ देखेगी। उसके बाद हमारी आती है स्केड्यूल नंबर बी, इस स्केड्यूल में हमारा अब क्या था, इस स्केड्यूल में टोटली 12 इंडस्ट्रीज थी जो कि प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन थी। समझाता हूं आपको इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन थी एंड सप्लीमेंटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। देखिए स्केड्यूल बी में आपकी 12 इंडस्ट्रीज थी जो कि प्रोग्रेसिवली, जो कि ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि सबसे पहले आपका स्टेट ही उनको आगे करेगा रन, प्रोग्रेसिवली उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, आगे तक उसको लेके जाएगा, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर उनका पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, पूरी तरीके से उनको सप्लीमेंट करेगा। मतलब उनका अगर एक टाइम को कोई भी इंडस्ट्री प्रॉपर ढंग से बन जाती है तो इट कैन ऑल्सो बी शिफ्टेड टू द प्राइवेट सेक्टर बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसी 12 इंडस्ट्रीज थी जहां पे कि हमारी इंडियन, जहां पे कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 56 के तहत स्केड्यूल बी में हमारी ऐसी इंडस्ट्री आती है जहां पे कि स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स को हमारी एक सरकार ही, लेकिन आगे जाके उसको सप्लीमेंट कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। ठीक है, हमारी इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आती हैं उनके, जैसे कि हमारे नाम है, अब जैसे कि हमारी इसमें आती है इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आती है, ओके एल्यूमिनियम वगैरह, ये तमाम इंडस्ट्री हमारी आती है किसमें, स्केड्यूल नंबर बी में। एंड द लास्ट स्केड्यूल जो हमारे पास आता है स्केड्यूल सी, इसमें हमारी बची हुई सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो भी इन 12 और 7 के अलावा और जितनी भी हमारी रह जाती हैं, तो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करेगी। लेकिन अब यहां पे आता है रोल कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल ठीक है इसको ओन तो कर सकता है, उसको आगे भी बढ़ा सकता है, लेकिन हर एक इंडस्ट्री के हर एक स्टेप के लिए उसको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, उसको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रेशन उसको लाइसेंस के बाद ही मिलेगा। और उस लाइसेंस के लिए सरकार ने काफी स्ट्रिक्ट कानून बना रखे थे। ठीक है, तो स्केड्यूल सी में ऑफकोर्स 70 इंडस्ट्री आती है हमारी इसमें जो कि सारी की सारी स्टेट करेगा ओन। स्केड्यूल नंबर बी में हमारी आती है 12 इंडस्ट्री यहां पे की प्रोग्रेसिवली स्टेट करेगा और सप्लीमेंट रोल कौन करेगा, हमारा प्राइवेट सेक्टर करेगा। बाकी की सारी इंडस्ट्री हमारी प्राइवेट इंडिविजुअल की थी, लेकिन हमारा इसमें ऑन द कंडीशन ऑफ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लाइसेंसेस की यहां पे हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो लाइसेंसेस होते हैं ये हमारे आते हैं कुछ इस तरीके से, देखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, इसको हम एक और नाम से कहते हैं डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, ये जो कि 1951 में आया था। इस एक्ट के तहत किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री को अगर अपनी इंडस्ट्रीज को ओपन करना है, अपने नाम से अगर कोई फर्म खोलनी है, तो उसमें काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन किस किस चीज के लेते जरा अब वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, सबसे पहले आता है कि अगर उन्हें अपनी कोई सेट करनी है तो सेट अप एनी न्यू फर्म, अगर उनको कोई नई फर्म खोलनी है देन दे विल रिक्वायर लाइसेंसेस, उनको लाइसेंस चाहिए होगा। ओके, सेकेंड हमारा आता है
कि अगर उन्हें ऑलरेडी सेटअप इंडस्ट्री है उनकी, उनको अब आगे जाके उसको और ज्यादा एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन का मतलब अगर उनको और ज्यादा उसकी नई नई ब्रांचेस खोलनी है, अगर उनकी एक फर्म ऑलरेडी है, अगर उनको कोई और उसकी फर्म की ब्रांचेस खोलनी है, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। और तीसरी चीज कि अगर उनको अपनी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफाई अगर करना है अपनी इंडस्ट्री को, तब भी उनको लाइसेंस की जरूरत होगी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। सेटअप ऑफ एनी न्यू फर्म, अगर उनको कोई भी नई फर्म खोलनी है, देन दे डेफिनेटली वॉन्ट अ लाइसेंस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। सेकेंड है कि अगर उनकी ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अब हम कि अगर हमें अब अपना अपने बिजनेस को और एक्सपांड करना है, तो उनको अगर नई और ब्रांचेस खोलनी है, तो गवर्नमेंट को जब तक ये फील नहीं होगा कि अब आपको प्रॉपर ढंग से एक ब्रांच और खोलने की जरूरत है, तब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा और नई दूसरी ब्रांचेस खोलने का। ठीक है, एंड द लास्ट, डाइवर्सिफिकेशन या फिर डाइवर्सिफाई करना अपनी फर्म को, मतलब अगर वो अब तक कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को सामान अब अगर वो अपना सेल करते थे, लेकिन उसके अलावा अब उनको और ज्यादा कुछ सामान को अपने बेचना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे कि बहुत सारी स्पोर्ट्स की कंपनी आती है, एग्जाम्पल प्यूमा ले लीजिए, एडिडास ले लीजिए, सबसे पहले इनके शूज आया करते थे ऑफ कोर्स, जो कि आज भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा इन्होंने अपने स्पोर्ट्स वियर में भी ये लोग एंट्री करे, जहां पे कि इन्होंने ट्रैक पेंट्स, जहां पे कि इन्होंने अपने ट्रैक सूट्स निकाले थे, या तमाम और अपने टी शर्ट्स वगैरह भी इन्होंने अपने इंट्रोड्यूस करे थे। तो ये सबसे पहले जो कि अपने शूज पे थे, उसके अलावा फिर इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को और डाइवर्सिफाई करा, ताकि ये और ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में एंटर करे थे। इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना किसी भी फर्म के लिए। तो यहाँ पे इन तीनों ही चीजों के लिए यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी क्या नाम था, लाइसेंसिंग की इनको रिक्वायरमेंट थी, जिसके बिना ये लोग आगे एक्सपांड नहीं कर सकते थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जस्ट ओके बच्चों, देखिए अब हमें देखना है आगे इसमें कि हमने देखा अभी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चीजों की थी कमी, उसको फिर ठीक करने के लिए हमने कौन कौन सी पॉलिसी रिजोल्यूशन फॉर्म लेके आए थे। इसमें हमारा एक और रोल हो जाता है इंडस्ट्रीज में, जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यहां से भी अक्सर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किन को हम कहते हैं और इनका क्या रोल होता है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसको हम शॉर्ट में SSI भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऑफ कोर्स आप लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही लिख के आइएगा। ठीक है, ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री होती है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, स्मॉल स्केल, जिनका स्केल बहुत बड़ा नहीं होता है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको हम, जिनकी अपर लिमिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द टोटल असेट्स, जहां पे कि वो अपना कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो थे हमारे एट द टाइम ऑफ 1950। ओके, 1950 में इसकी अपर लिमिट थी जहां तक का हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, दैट वाज 10 लाख रुपीज। मींस ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उनके असेट्स में, उनके कैपिटल में 10 लाख रुपीज तक का है, उनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो कि आज के टाइम पे ये आपका इन्वेस्टमेंट को बढ़ के ऑफकोर्स अपडेट होता है, एज ऑफकोर्स तब से लेकर आज तक आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ 75 ईयर्स हमारे पास आज तक क्या है, इसमें इन्फ्लेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग आज ये जो हमारी है डिजिट, वो हमारी 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है, कि जिस भी इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट ओवरऑल 1 करोड़ रुपीज तक का है, उस इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन आखिर में ये कॉन्सेप्ट आया कहां से था, ध्यान से इस चीज को समझेंगे जरा, यहां से भी आता है क्वेश्चन। तो ये वाला जो हमारा आया था कॉन्सेप्ट, इट वॉज गिवन बाय विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये दिया था आपका कार्वे कमिटी ने। कार्वे कमिटी ने दिया था, जो कि आपका इन द ईयर 1955 में दिया गया था। ओके, तो 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कार्वे कमिटी के अंडर इस पूरी चीज को स्टडी कहा गया था, और इन्होंने ये चीज को रिकमेंड करा था
कि अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत प्रमोट करना होगा। अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है, अगर हमें गांव का भी विकास करना है, हाँ, अपने शहर के साथ साथ अर्बनाइजेशन के साथ साथ, तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत प्रमोट करना होगा, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इसके लिए एक लिमिट सेट करी। अब ये लिमिट सेट करने के पीछे रीजंस क्या क्या थे, जरा वो देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आखिर में कैसी इंडस्ट्रीज होती है, कि इनको क्या चीज का फायदा होता है या फिर क्या चीज का इनको नुकसान होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा इसमें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एट द टाइम When according to the Harvey Committee, जब ऐसी इंडस्ट्रीज को एक लिमिट दी गई, जब ऐसी इंडस्ट्रीज को एक कहा गया कि भाई हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो किसी भी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं। टेक ओवर मतलब उनको खरीद लेते हैं, ताकि वो आगे जाके, बिकॉज वो ही उनका कॉम्पिटिशन होता है, तो आगे जाके उनका कोई कॉम्पिटिशन ना रहे और छोटी इंडस्ट्री उनके अंडर आ जाती है, जिसकी वजह से एक बड़ी कंपनी जितनी ज्यादा छोटी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लेगी, उतनी ही जो हमारी बड़ी कंपनी होती है वो एक मोनोपोली का रूप ले लेती है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत खराब चीज होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कुछ रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन ऑफ सम इंडस्ट्रीज, रिजर्वेशन कर दिया कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज यहां पर रहेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही उसमें एंटर करेगी, उसमें कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंटर नहीं कर सकती है। ओके? तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया कुछ इंडस्ट्रीज का, कुछ प्रोडक्ट्स का, कि इनको सिर्फ और सिर्फ हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बढ़ाएगी और कोई नहीं बढ़ाएगा। बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो एक इतनी वास्ट होती है, मैंने बताया आपको कि रूरल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा देती है ध्यान, एज अवर इन इंडिया, हमारे इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जो हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, दे आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो स्पीच में ध्यान रखेंगे जरा कि आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जो हमारे इंडिया में डेवलपमेंट देता है, अपना यू नो कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में, वो हमारी कौन सी होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, जिसकी वजह से सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखते हमारे इंडिया में रिजर्वेशन उस टाइम पे कर दिया था कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज का जो कि सिर्फ और सिर्फ अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी। सेकंड चीज कि यहां पे जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनको काफी सारे कंसेशंस एंड बेनिफिट्स मिलते थे फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब यहां पे बहुत सारी जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, अगर वो किसी भी रूरल एरिया या फिर बैकवर्ड एरिया में ओपन हो रही है, तो सरकार उनको अपनी तरफ से बहुत कंसेशंस देती थी, जैसे कि उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन को करना प्रोवाइड, उनकी एक्साइज ड्यूटी को बहुत कम कर देना, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं उसमें काफी ज्यादा कंसेशंस करना, उनको और ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करना, उनको बेनिफिट्स देना। ऐसा क्यों करती थी भाई यहां पे उस टाइम पे सरकार, क्योंकि रूरल एरियाज को हम इतना रीजनल इक्वलिटी को, अगर हम रीजनल डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, रीजनल डिस्पैरिटी मतलब हर एक एरिया को एकदम बैकवर्ड और अब मतलब बहुत ज्यादा कोई भी एरिया बैकवर्ड ना रह जाए इन कंपैरिजन टू द अर्बनाइजेशन, तो उस चीज को और बढ़ावा देने के लिए कि हमें बैकवर्ड ना रह जाए, उस चीज के लिए हमने यहां पे बेनिफिट्स और कंसेशंस हम देते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ओके, तो यहां पे ध्यान रखिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कंसेशंस हम बहुत ज्यादा यहां पे देते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हमारे कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि यहां पे एम्प्लॉय, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि दो पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि यहां पे ये सबसे ज्यादा हमारा एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करते हैं। दीज आर द पॉइंट्स जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ क्या क्या इनके यू नो बेनिफिट्स कह सकते हैं, या फिर इनको क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट का क्या रोल रहा इनको करवाने में प्रोवाइड, बिकॉज दीज आर द रीजंस। पहले रीजन क्या है भाई कि यहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज्यादा होता है,
एम्प्लॉयमेंट जितना भी हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने की करती है कोशिश, बिकॉज वहां पे हमेशा से लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिकॉज द इंडस्ट्रीज काफी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होता है जहां पे कि इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे इसमें आता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज को ऑफकोर्स बहुत ज्यादा कहा जाता है कि भाई हमें इसको सरकार की तरफ से बहुत इसमें क्या कहते हैं हेल्प दी गई थी, कि हमने इसको रिजर्वेशन दिया था, कंसेशन दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो ऐसी इंडस्ट्रीज थी वो एक विलेज के लोगों को, बिकॉज यहाँ पे एक ये एक प्रमोट भी करती थी ये लोग रूरल डेवलपमेंट को, एंड दीज आर द रीजंस कि हमें सरकार को उस टाइम पे ऐसे कुछ बेनिफिट्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देना जरूरी था। ओके, लेकिन हाँ आज के टाइम पे ये जो रिजर्वेशंस हैं ये आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हम आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ध्यान रखिएगा कमेटी का नाम, ध्यान रखिएगा कि कार्वे कमेटी इन द ईयर 1955 में ही हमारी इसने ही हमारा इसका आइडिया दिया था कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फॉर्म करना चाहिए प्रॉपरली। ओके बच्चों, अब ध्यान देते हैं, अब हमारा आता है नेक्स्ट सेक्टर एंड द लास्ट वन विच इज फॉरेन सेक्टर। ठीक है, ओके, देखिए फॉरेन सेक्टर का मतलब है ऑफ कोर्स यहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात आती है, लेकिन हमारा देश इस टाइम पे हम अगर बात करें कि हमारा कंट्री इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को इस टाइम पे अगर हम इंपोर्ट करते थे तो ऑफ कोर्स उससे बहुत ज्यादा हमें दिक्कतें आती थी कि हमारे खुद की इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं हो रही थी। तो यहां पे हमारे इंडिया ने इन सब चीजों पर ध्यान में रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट एंड वन एंड ऑनली उन्होंने एक स्कीम की थी लॉन्च, जिसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जिसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। समझेंगे क्या होता है, देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट्स माने उस टाइम पे हमारा कंट्री हर एक चीज को बाहर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई भी अच्छी बड़ी कैपिटल इंडस्ट्रीज, बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बड़ी कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती थी। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पे ध्यान दिया गया। इसको इंट्रोड्यूस करने का मोटिव सबसे बड़ा क्या था कि जो बहुत कि जो हमारे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स थे, जिनको हम अब बढ़ावा दे रहे थे कि आप अपने आप इंडस्ट्रीज को ओपन करिए, वो अभी रेडी नहीं थे कि वो फॉरेन प्रोडक्ट्स के कंपटीशन को झेल पाए, जिसकी वजह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का एग्जैक्टली मतलब क्या था कि जो भी चीज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम उसका सब्स्टिट्यूट अपने ही कंट्री में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। मतलब हम जो भी चीज हम बाहर से अगर इंपोर्ट करते हैं उसको बाहर से मंगाने की जगह हमारे इंडिया में ही अगर हम उसका प्रोडक्शन करेंगे तो हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे जो खुद के जो डोमेस्टिक हैं प्रोड्यूसर्स वो भी काफी अपलिफ्ट होंगे, वो भी काफी एनकरेज होंगे, उनके पास भी अब पैसा आएगा ताकि वो और ज्यादा आगे कैपिटल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की। अब इसको देखने आ रहा है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड माने क्या होता है भाई, अंदर, आउटवर्ड क्या होता है बाहर, तो इनवर्ड लुकिंग मतलब हम अपने कंट्री के अंदर ही चाह रहे थे कि हम ट्रेड ऐसा करें कि हम अपने कंट्री में ही उसको हम ट्रेड करते रहे, हमें बाहर दूसरे कंट्री में से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। यहां पर यह क्यों चीज करी गई थी, तो सबसे पहला हमारा इसका आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारा इसका आता क्या है, सबसे पहली चीज आती है कि इससे हमारे सेव होंगे जो फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स हैं हमारे पास,
वो काफी ज्यादा सेव होंगे हमारे पास, मतलब हमें वो ज्यादा अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व काफी हद तक अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये टू मेन मोटिव से हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के, कि हमें सेव होता है उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारी इससे एक्सपेंड हो सकती हैं बिकॉज अभी वो रेडी नहीं थी कि वो फॉरेन इंडस्ट्रीज के क्वालिटी को, फॉरेन इंडस्ट्रीज के मार्केटिंग को कंपीट कर पाती, जिसकी वजह से हमने इंपोर्ट्स को महंगा करने की बात करी थी कि इंपोर्ट्स को हमने ऐसा करा था कि हम इंपोर्ट हम नहीं करना चाहते हैं। इसी चीज को बरकरार रखने के लिए कि हमें इंपोर्ट्स कम से कम करने हैं, सरकार ने कुछ टैक्सेस इन्वॉल्व करे, यहां पे टैक्सेस इंट्रोड्यूस करे जो कि हमारे थे क्या क्या, टैरिफ एंड कोटा। ओके जस्ट अ सेकेंड, तो हमारे यहां पे क्या आता है इंपॉर्टेंट आता है, एक आता है हमारा टैरिफ एंड कोटास। ओके टैरिफ एंड कोटास। अब देखिए ये क्या होता है, टैरिफ और कोटा एक दोनों तरीके के हमारे टैक्सेस होते हैं, या कह लीजिए कि ये हमारे एक ऐसे होते हैं तरीके ताकि हम अपने कंट्री में इंपोर्ट्स को कम कर सकें। अब टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैरिफ का मतलब होता है कि हम उन पे ऐसी एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी हम लगाएंगे कि बाहर से हमारे इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी कॉस्ट, मतलब जो चीज सामने से हमारे इंडिया में आ रही है उनकी कॉस्ट एक्सपेंड हो जाए, मतलब हम उन पे इतने टैक्सेस लगा देंगे कि हमारे इंडिया में उसकी डिमांड कम से कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे कि किसी भी चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टैरिफ हमने लगाए थे, और टैरिफ एग्जैक्टली क्या होते हैं कि किसी भी जो हमारी चीज हमारे बाहर से इंडिया से इंपोर्ट हो रही है हम उसकी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए उस पर ओवर एंड अबव टैक्सेस लगा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ। ओके सेकेंड क्या आता है हमारा, कोटा आता है। कोटा क्या होता है भी हमारे, कोटा का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर्स के द्वारा, सरकार के द्वारा एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी जाती है। मतलब हम जब भी हम बात करते हैं टैरिफ की, तो टैरिफ में बेटा हम बात करेंगे कि हमें कैसे प्राइसेस को हम इंक्रीज कर देंगे ताकि इससे अल्टीमेटली हमारी डिमांड कम हो जाए हमारे इंडिया में। जबकि हम बात करेंगे कोटा में क्या होता है कि अगर हम इनकी क्वांटिटी को एक फिक्स कर दे कि हम इतनी ही क्वांटिटी को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली डिमांड हमारे कंट्री में उसकी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज अब उससे ज्यादा हम बाहर से हमारे हमारे इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि टैरिफ और कोटा जो कि हमारे इंडिया में अपनाया गया था ड्यूरिंग द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी ताकि हमारे इंडिया के इंपोर्ट्स कम हो जाए, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स जब इस सब चीजों के फायदे इतने थे कि भाई हमारा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा काफी हद तक सेव हो रहा था, दूसरा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी ग्रो होने की, लेकिन इसके अलावा हमारा इसके कुछ डीमेरिट्स कह लीजिए या फिर हमारे से कुछ हमारे ड्रॉबैक्स भी रहे। सबसे पहली चीज जो हमारी इसकी ड्रॉबैक्स में आती है सबसे पहली चीज क्या आती है हमारी कि अगर हम बाहर कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो सामने वाला कंट्री भी हमसे इंपोर्ट नहीं करता है, मतलब ड्यू टू एज बिकॉज आज के टाइम पे हम जीरो सम गेम के बारे में, इफ यू ऑल नो अबाउट इट, जीरो सम गेम का मतलब होता है कि अगर हम किसी से का कोई भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामने वाले को उतना ही नुकसान होगा। ये पहले होता था किसी भी कंट्री में कि अगर हम किसी से कुछ भी सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसको ही फायदा है, हमें फायदा नहीं होगा। तो पहले तो ट्रेड इस तरीके से होता था, लेकिन आज के टाइम पे किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड तभी होता है अगर उसको उतना ही हो रहा हो फायदा जितना कि हमको हो रहा हो, तभी हम उस कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं, और उन्हीं चीज सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के टाइम पे हमारा पॉजिटिव सम गेन एक ही हमारी टर्म होती है जो कि फॉरेन ट्रेड में आती है। इसी तरीके से क्या आता है इसमें हमारा कि अगर हम किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर रहे थे सामान तो सामने वाला कंट्री भी हमसे इंपोर्ट नहीं कर रहा था, मतलब
ड्यू टू बिकॉज ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हम एक अच्छा वी डिड नॉट मैनेज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर. ठीक है, हम मैनेज नहीं कर पाए कि हम एक अच्छा एक्सपोर्टिंग कंट्री, हम एक अच्छा एक्सपोर्ट सेक्टर भी बन पाते. क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज हमने अपने इंपोर्ट्स भी खत्म कर रखे थे, हमने इंपोर्ट्स बहुत कम कर रखे थे ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज काफी हद तक आगे आ पाए. ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो हमारा यहां पर आता है इंपॉर्टेंट, वो क्या था कि जैसे जैसे हमारी जो बाहर से आने वाली चीजें बंद होती जा रही थी, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ने ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काफी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करा, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके अंदर वो सीरियसनेस खत्म हो गई थी हमारे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स में अपनी क्वालिटी को लगातार अपग्रेड करने की. बिकॉज उस टाइम पे हमारे इंडिया में ऑफकोर्स फॉरिन प्रोडक्ट्स नहीं थे, जिसकी वजह से हमारा कॉम्पिटिशन उस टाइम पे एकदम नहीं था किसी भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के सामने, जिसकी वजह से वो अपने ही प्रोडक्ट्स को अपग्रेड नहीं करना चाहते थे बिकॉज देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट. तो जिसकी वजह से हमारे इंडिया के जो भी कंज्यूमर्स थे उनको वही चीज खरीदनी पड़ती थी जो कि हमारे इंडिया के मार्केट में अवेलेबल थी, जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी अच्छी नहीं थी, इतने ड्यूरेबल नहीं होते थे उस टाइम पे गुड्स जो कि हमारे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर गुड्स होते थे. ठीक है, तो बिकॉज कि हमने अपने इंडिया में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाया था, हम जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको हमने स्टार्टिंग में प्रोटेक्ट तो करा था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर नॉट सीरियस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन वो भी कैसा? इंटरनेशनल. ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नहीं था, हमारी इंडस्ट्रीज जो भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी कि वो अपग्रेड करना चाहें अपने ही क्वालिटी उनके ही प्रोडक्ट्स की, बिकॉज उस टाइम पे कोई भी कंपटीशन नहीं था इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का. एंड दीज आर द रीजंस कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो हम उसमें, हाँ, हमने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, हाँ, उनको इतना कैपेबल इनफ नहीं बना पाए कि हम उनसे कम्पीट कर पाए, लेकिन हाँ, हमने एटलीस्ट इस पॉलिसी को अपना के हमने अपने इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को काफी अपलिफ्ट करा था. लेकिन हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके हमें कुछ नुकसान भी देखने को मिले. ठीक है, तो होपफुली अब आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा. ये वाला पार्ट हमारा यहां तक का, हमने अब तक आज जो पढ़ा है वो क्या था हमारा? इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा हमने पूरे का पूरा, कि इंडस्ट्रीज हमारी किस किस तरीके की थी, उसमें हमारी क्या क्या थी कमियां, कि हमारा सरकार की इन्वेस्टमेंट करने की बहुत कमी थी, एफिशिएंसी नहीं थी, कैपिटल गुड हमारी इंडस्ट्री हमारे इंडिया में नहीं थी, सोशल वेलफेयर की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको ठीक करने के लिए हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 48 आई थी पहले और 56 आई थी बाद में, जिसमें कि हमारे तीन स्केड्यूल थे. पहले स्केड्यूल में 17 इंडस्ट्री, दूसरे स्केड्यूल में 12 इंडस्ट्री, और थर्ड हमारे स्केड्यूल में रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री थी जो कि कंप्लीटली प्राइवेटली ओन करेगा. लेकिन उसके लिए भी क्या थे? हमारे लाइसेंस थे. तो लाइसेंस मैंने आपको अभी बताया था कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत हमें उन चीजों के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी. आफ्टरवर्ड्स हमने पढ़ा हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पढ़ी पूरी की पूरी, हमने उसका कॉन्सेप्ट को समझा कि ये थे इसके रीजंस इसको लेकर आने के और इनको क्या क्या बेनिफिट हमने प्रोवाइड करे थे. और उसके बाद फिर हमने पढ़ा अपने फॉरेन सेक्टर को, जहां पे हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाया था. इस चीज को अपनाने के लिए हमने टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल किया था. इसके हमारे ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन इसके अलावा हमारे इसके कुछ ये एट द एंड ऑफ द टाइम हमें देखने को मिला कि हमारे ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी रहे थे. होपफुली आपको अब तक का वीडियो समझ में आ गया, हर एक टॉपिक आपको समझ में आ गया है. मैं आपसे फिर कह रहा हूं बच्चों कि जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप याद से उसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे आप बताएं, मैं आपको वहां पे पर्सनल यूसेज का कमेंट करके मैं आपको रिप्लाई करके मैं आपको वो चीज समझा दूंगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा.
ओके बच्चों, तो ऑलमोस्ट हमने इस चैप्टर को हमारे आज ये कंप्लीट कर लिया है। ये आपका 3 पार्ट्स में चैप्टर हुआ है कंप्लीट। पहली वीडियो हमने इसकी थोड़ी सी शॉर्ट रखी थी, सेकेंड और थर्ड वीडियो जो कि हमारी ये है वीडियो, ये हमने काफी आपकी लॉन्ग रखी है ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें हर एक टॉपिक को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है समझाने के पर्सपेक्टिव से। आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, किसी भी टॉपिक को समझने में अगर कोई आपको दिक्कत आती है, आप हमें याद से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, चलिए, गुड लक एवरीवन, ध्यान रखिए अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।